नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में टंगेगी शिक्षकों की तस्वीर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, ये है वजह। जानलेवा बना डेंगू, लगातार बढ़ता जा रहा प्रकोप, मरीजों के लिए पहले से ही 50 बेड किए गए आरक्षित। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा पिता रहे अंधेरे में, बेटा बना पावर हाउस। और शिक्षा विभाग ने 8 लिपिकों पर की बड़ी कार्रवाई, कटी वेतन, विभाग में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। अब शिक्षकों की तस्वीरें फ्लैक्स पर की जाएंगी प्रदर्शित। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के लिए राज्य शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। अब सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तस्वीरें जो है फ्लैक्स पर प्रदर्शित की जाएंगी। इस आदेश के तहत 77,856 सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की तस्वीरें विद्यालयों के परिसर में फ्लैक्स पर लगाई जाएंगी। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों और उनके अभिभावकों को विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों के बारे में जानकारी देना है। इस आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस दिशा निर्देश के पालन के लिए 13 सितंबर तक का समय दिया है। बिहार में बनेगा 4 नया स्टेट हाईवे, कुल लागत 2,000 करोड़। बिहार सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से बिहार राज्य उच्च पथ परियोजना 4 के तहत 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। बता दें कि बीते दिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत सारण, सिवान, भोजपुर, नालंदा, बांका, भागलपुर जिलों में 2 लेन वाली चौड़ी सड़कें बनेगी। इन परियोजनाओं पर कुल 2,087 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 204 किलोमीटर सड़कें 2 लेन में चौड़ी होगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि इन स्टेट हाईवे को 2 लेन पेवर्ड शोल्डर सहित मानक संरचना के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। गया में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, ट्रेन के टूटे शीशे। अब बीते दिन जमशेदपुर से पटना के लिए ट्रायल के दौरान चल रही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए हैं। बता दें कि धनबाद रेल मंडल अंतर्गत बंधुआ टनकुप्पा स्टेशन के बीच कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने इस ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिसके कारण इंजन से सटे दूसरे कोच की खिड़की की कांच जो है टूट गई है। इस घटना की पुष्टि रेलवे अधिकारियों ने की है। रेलवे प्रशासन इस घटना की गंभीरता से जाँच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें इस ट्रेन का 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाना है और ये ट्रेन ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही थी, जिस दौरान ये घटना हुआ। बिहार सरकार देगी मछली पालन करने के लिए ट्रेनिंग। यदि आप मछली पालन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं या इस व्यवसाय में पहले से एक्टिव हैं, तो ये योजना आपके लिए है। आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। आवेदन भरने के बाद विभागीय टीम आपके आवेदन की समीक्षा करेगी और चयनित किसानों को प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण की तिथियों की जानकारी भी संस्थान द्वारा निर्धारित की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालकों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना है, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके। ये योजना मछली पालकों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे वे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जमीन सर्वे में अमीन निभाते हैं अहम भूमिका। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीनों को सर्वेक्षण और बंदोबस्ती काम के लिए अधिकृत किया है, जिससे उनकी जिम्मेदारियां जो हैं और बढ़ गई है। अमीनों को संबंधित ग्राम में सर्वेक्षण काम की अधिसूचना और उद्घोषणा के बाद इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना होता है। इसके साथ ही वे पिछले खतियान की सहायता से प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी तैयार करते हैं और खतियान अनुपलब्ध होने पर अन्य अभिलेखों से जमीन का पूरा विवरण तैयार करते हैं। सर्वे एजेंसी से प्राप्त मानचित्र में मुस्तकिलों और त्रि सीमानों की पहचान कर उन्हें स्थल के अनुसार शुद्ध करना और ग्राम सीमा का सत्यापन करना भी अमीनों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अमीन इस प्रक्रिया के हर चरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानलेवा बना डेंगू, लगातार बढ़ता जा रहा है प्रकोप।
डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा होने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू वार्ड स्थापित करने का निर्देश दिए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए पहले से ही 50 बेड आरक्षित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सिविल सर्जनों के साथ डेंगू की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 बेड वार्ड के रूप में आरक्षित रहना चाहिए। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग अभियान को तेज करने के आदेश भी दिए हैं। बता दें, इस साल राज्य में अभी तक 1146 डेंगू के मरीज दर्ज किए जा चुके हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में खुलने जा रहा जीविका दीदी हाट। बिहार में जल्द ही दिल्ली हाट की तर्ज पर जीविका दीदी हाट की शुरुआत होने जा रही है। इस हाट में हाथ से बने उत्पादों के साथ साथ सुधा का दूध, ताजे हरी सब्जियां और जन औषधि भी उपलब्ध होंगी। हाट में कुल 25 दुकानें होंगी जो सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। यहाँ पर पूरे बिहार की दीदियों के समान एक जगह पर मिल सकेंगे। इस हाट की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इसके लिए जगह का चयन किया जा रहा है और समस्तीपुर, भोजपुर, नालंदा में स्थित सरकारी पुराने भवनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हाट मनरेगा के तहत बने पुराने भवनों में खोला जाएगा। हाट में मिथिला पेंटिंग, शिल्प, क्राफ्ट, आचार और मत्स्य पालन से जुड़ी दुकानें भी होंगी। जो जीविका दीदी मत्स्य पालन करती हैं उन्हें भी स्टॉल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में लापरवाह लिपिकों के वेतन में कटौती। शिक्षा विभाग में लापरवाही बरतने वाले 8 लिपिकों के वेतन में कटौती की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमालुद्दीन ने बताया कि 23 जुलाई को सभी कार्यालय लिपिकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई थी। इस बैठक के दौरान उन्हें विभिन्न विभागीय कार्यों के निष्पादन के लिए आदेश जारी किए गए थे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकांश लिपिक जो है अपने काम में शिथिलता बरत रहे, जिससे कार्यालय में लंबित कार्यों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में 8 लिपिकों के वेतन में कटौती किए गए हैं, जिनके नाम हैं सत्येंद्र कुमार सिंह, पंकज पाल, अनिल कुमार राम, बाबू जान अंसारी, रवि कुमार ठाकुर, नागेंद्र राय, मनोज कुमार और वरुण कुमार दीक्षित। इंस्पायर अवार्ड मानक में पिछड़ा बिहार। इंस्पायर अवार्ड मानक, जिसका आयोजन स्कूल के बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। बता दें, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसमें 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में बच्चे अपनी नवाचारी आइडिया प्रस्तुत करते हैं और इन्हें चयनित करने के बाद प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि पिछले 3 वर्षों से बिहार इस प्रतियोगिता में नवाचारी आइडिया भेजने के मामले में पिछड़ रहा है। इस साल 50,000 आइडिया भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 10 सितंबर की दोपहर तक केवल 16,198 आइडिया ही भेजे गए हैं। बता दें, इसका अंतिम तारीख है 15 सितंबर और विभाग ने पिछले साल की तरह इस बार भी अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके बावजूद लक्ष्य का 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। पटना को जल्द मिलेगा नया कलेक्ट्रेट, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा कार्यालय। पटना के नए समाहरणालय भवन का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और अक्टूबर 2024 तक इसका काम जो है पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने हाल ही में निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस भवन में अत्याधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, अग्नि सुरक्षा प्रणाली और भूकंप रोधी संरचना जैसी सुविधाएं होंगी। सभी सरकारी कार्यालय एक ही छत के नीचे होने से लोगों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ये भवन राज्य की राजधानी में एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा और जिलेवासियों को बेहतर सुविधाएं दान करेगा। पूर्णिया रेंज में आईजी का पदभार ग्रहण करते ही शिवदीप लांडे का युवाओं को स्पष्ट संदेश। पूर्णिया रेंज के आईजी के रूप में शिवदीप लांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही वे एक्शन मोड में नजर आए। पदभार ग्रहण करते ही शिवदीप लांडे कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने अपराधियों को स्पष्ट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए हम खुद एक मैसेज है। बता दें कि सीमांचल में कई युवा
सूखे नशे के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया एसपी के साथ बैठक कर इस योजना पर स्पेशल अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता के हितों में काम करने के निर्देश पुलिस कर्मियों को दिए हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा पिता रहे अंधेरे में, बेटा बने पावर हाउस। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। बता दें कि बीते दिन राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पास दो बार गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर आए थे। प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई और इस बयान के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि पिता रहे अंधेरे में, बेटा बने पावर हाउस। उन्होंने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वे प्रवचनकर्ता बन गए हैं और उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। तेजस्वी यात्रा के संवाद यात्रा का आज दूसरा दिन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। तेजस्वी यादव 12 सितंबर को दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, केवटी और जाली विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 13 सितंबर को दरभंगा ग्रामीण, गौरा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर और कुशेश्वर स्थान में, 14 सितंबर को मधुबनी में होंगे जहां वे मधुबनी, राजनगर, बेनीपट्टी, बिस्फी और हरलाखी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और रात्रि विश्राम भी वही करेंगे। 15 सितंबर को वे मधुबनी जिले के लोक फूलपरास, झांझरपुर और खजौली विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद 16 सितंबर को मुजफ्फरपुर की गयाघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा और कुड़नी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रात वहीं बिताएंगे। और अंत में 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहिबगंज विधानसभा क्षेत्रों के आरजेडी कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लेंगे। हनुमान बंटू सिंह को बनाया गया आरजेडी का प्रवक्ता। मुकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी सहयोगी हनुमान बंटू सिंह, जो पहले भी आरजेडी के प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्हें फिर से इस पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले बंटू सिंह को 7 मार्च 2021 को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रवक्ता नियुक्त किया था। हालांकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और आरजेडी ने अपने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की तो 12 अगस्त 2022 को बंटू सिंह के नाम को सूची से हटा दिया गया था। बंटू सिंह के प्रवक्ता पद से छुट्टी का कारण उनकी जदयू पर तीखी टिप्पणियों को बताया गया था। अब फिर से बंटू सिंह की वापसी हो चुकी है। जाने भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? 11 सितंबर 2024 आज भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी लाला अमरनाथ की जयंती है, जिनका जन्म 11 सितंबर 1911 को कपूरथला, पंजाब में हुआ था। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान और भारतीय क्रिकेट के पायनियर थे। उन्होंने 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ जिमखाना ग्राउंड पर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करते हुए शतक लगाया था, जो भारतीय क्रिकेट का एक ऐतिहासिक पल था। लाला अमरनाथ ने अपने खेल और नेतृत्व के माध्यम से भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। उन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगातार 15 टेस्ट मैचों तक भारतीय टीम की कप्तानी की। उनके 3 बेटों में से 2 मोहिंदर और चंद्रशेखर भी भारतीय क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। लाला अमरनाथ ने 5 अगस्त 2000 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनके योगदान और प्रभाव भारतीय क्रिकेट में सदा अमर रहेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परमेला कुमारी, नूनू गोलू, राम बाबूदास, गोनर शर्मा, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद अरमान, मुकेश यादव, सादुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, सपना कुमारी, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, संघर्ष कुमार, अमित कुमार, परवीन कुमार, रूपा कुमारी, सपना कुमारी, मोहम्मद अजमेर, संजीव कुमार,
कुमार कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और इसके साथ अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।